अब देखिए सेक्युलर ट्रेंड, हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड पढ़ने वाले सेक्युलर ट्रेंड, फर्स्ट कंपोनेंट है सेक्युलर ट्रेंड। अब देखिए सेक्युलर ट्रेंड मतलब क्या होता है, ट्रेंड मैंने बताया, जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बोलूं इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में बढ़ते जा रही है, हर साल बढ़ते जा रही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में हमारी इंडिया की पॉपुलेशन। तो अगर मैं इसके पास डाटा को देखूं कि हर साल कितना 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 बढ़ी, तो मैं क्या एक चार्ट बना पाऊंगा कि देखो अगर हर साल इतना इतना बढ़ रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे इस टाइम पे इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, इस टाइम पे इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। मैं क्या कर सकता हूँ, एक एजम्पशन बना सकता हूँ पास्ट डाटा को देखते हुए। ये क्या होता है, सेक्युलर ट्रेंड कहलाता है। अब इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास चार मेथड है। देखिए हमारे पास ये चार मेथड है। पहला है फ्री हैंड कर्व मेथड। फ्री हैंड कर्व मेथड जो भी हमारा पास्ट डाटा है सबको चार्ट में प्लॉट कर देंगे और फिर एक हाथ से ऐसे लकीर खींचेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रही है हमारी लाइफ। ये क्या हो गया आपका, फ्री हैंड कर्व मेथड। सेकेंडली आपका आता है मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। बताऊंगा क्या होता है मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, लिख लीजिए सेकेंड मेथड। थर्ड है आपका मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। देखिए पहला दो तो ये बहुत ही इजी था, अब यहां से थोड़ा सा हार्ड पार्ट चालू हो जाएगा। क्या है तीसरा, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। लिख लीजिए हेडिंग, अब ये चार्ट में हेडिंग हेडिंग फिलअप कर लीजिए, फिर ये एक एक मेथड को देखते हैं हम, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, फोर्थ है आपका मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। क्या है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ये चार मेथड है, ये चार मेथड किसके लिए, सेक्युलर ट्रेंड पता करने के लिए। ये चारों से ही हम क्या पता कर रहे हैं, ट्रेंड ही पता कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा जो सीरीज है। ठीक है, सेक्युलर ट्रेंड पता करने के लिए हमारे पास ये चार मेथड है। आइए अब हम फर्स्ट मेथड से चालू करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, फ्री हैंड कर्व मेथड। पहला क्या है, फ्री हैंड कर्व मेथड। तो अब देखिए आपके बुक में हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। ये चार मेथड दिए हुए हैं, एक है फ्री हैंड कर्व मेथड, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। चार मेथड होते हैं, चार मेथड में हम अभी चालू करने वाले हैं। पहला ग्राफिक फ्री हैंड कर्व मेथड। फ्री हैंड कर्व मेथड, फ्री हैंड कर्व मेथड में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि ये आपको डाटा दिया हुआ है, ये आपको डाटा दिया हुआ है। द फॉलोइंग आर द फिगर्स ऑफ द सेल ऑफ द लास्ट नाइन ईयर्स। लास्ट नाइन ईयर्स की आपको सेल दी हुई है। डिटरमाइन द ट्रेंड बाय अ लाइन बाय फ्री हैंड मेथड। फ्री हैंड मेथड से हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस पे हमने ईयर को रख लिया। क्या कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में हम ईयर को रख रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस में हम सेल्स को रख रहे हैं। और हमने क्या किया है कि जो डाटा दिया हुआ है पहले उसको प्लॉट कर लिया, 75, 95, 115, 65, 120, इस तरीके से सब सारे प्लॉट कर लिए और एक रफ डायग्राम हमने बना लिया, रफ जो पॉइंट टू पॉइंट लिंकिंग है वो कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अपनी स्केल में मिडिल इस लाइन के आसपास एक मिलती जुलती एक डॉटेड लाइन खींचेंगे। ये जो डॉटेड लाइन रहेगी, मतलब एक मिडिल फिगर में अपने जो डायग्राम बना है हमारा, जो ये ट्रेंड बना हमारा रफ डायग्राम, उसके बीच से होती हुई निकलनी चाहिए ये डॉटेड लाइन। ऐसी रफ आप स्केल से खींचेंगे डॉटेड लाइन, और ये जो डॉटेड लाइन रहेगी ये आपको ट्रेंड बताएगी। तो देखिए ये डॉटेड लाइन जब आप एक्सटेंड करोगे तो इस तरीके से एक्सटेंड होगी, तो इससे पता चलेगा कि 2012 में ये क्या लेवल पे पहुंचेगी। जैसे पता चला कि ये 250 पहुंच जाएगी, यही ट्रेंड ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और हमें आगे का डाटा देते जाएगा। समझ में आ रहा है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.2 बुक में देखिए, और ये आपको बताता है फ्री हैंड मेथड कैसे होगा। सीख गए आप ट्रेंड निकालना फ्री हैंड, बस कुछ नहीं करना है आपको, प्लॉट करना है और एक लाइन खींचनी है, तो ये आपका फ्री हैंड मेथड हो गया।
ठीक है, ये तो समझ में आ गया, बहुत इजी था फ्री एंड मेथड। अब हम आते हैं हमारे अगले मेथड में, अगला मेथड है हमारा मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। अब देखिए सेमी एवरेजेस में क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल सा है। देखिए हमें डाटा दिया हुआ है 2000 से लेकर 2006 तक का, मतलब कितने साल का डाटा दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ईयर्स का डाटा दिया, 7 ईयर्स का डाटा दिया हुआ है। तो यहां पे ये क्या बोलता है मेथड, कि हम फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दो पॉइंट निकाल लेते हैं, दो इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, पूरी सीरीज को दो हिस्सों में बाइफरगेट कर देते हैं। देखिए ये तो था आपका फ्री एंड। फ्री एंड में क्या आप यहां पे लिख लीजिए, स्टेप्स लिख लीजिए, स्टेप वन प्लॉट द डाटा इनटू ग्राफ एंड ड्रॉ एंड लिंक ऑल द डॉट्स विथ लाइन, एंड देन स्टेप टू क्या रहेगा आपका, प्लॉट डाटा प्लॉट करनी है, लिंक कर दिए सारे डॉट्स को, और नेक्स्ट में ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग नियर बाय एग्जिस्टिंग डाटा। मतलब ये जो हमारे जो डाटा था उससे आसपास से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो ये क्या मेथड है आपका, फ्री हैंड कर्व मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस क्या बोलता है, कि जो भी आपकी सीरीज है, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर 8 ये क्या है, अगर इवन नंबर ऑफ डाटा दिया हुआ है अगर आपको, तो आप क्या करेंगे कि ये दो हिस्सों में इसको बांट देंगे, ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया, ठीक है, ये सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, इसको भी ऐड कर देंगे सबको और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो ये क्या हो गया कि आपने ये चारों को एक हिस्से को बांट दिया, इसको ऐड कर दिया, तो एक और उसका एवरेज निकाल दिया, तो ये एक हिस्से का एवरेज है, ये दूसरे हिस्से का एवरेज है। इस तरीके से आपको दो पॉइंट मिल गए, ए और बी, दो पॉइंट मिल गए। अब इस दो पॉइंट को आप ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, इस दो पॉइंट को आप ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, ए पॉइंट और मान लो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट प्लॉट कर देंगे, और फिर एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों से पास होती हुई ड्रॉ कर देंगे। तो ये कौन सा मेथड हुआ, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, कि दो हिस्सों में बांट रहे हैं, डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं, और जो उससे दो पॉइंट आए उससे हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइन। अच्छा ये तो था इवन नंबर ऑफ सीरीज के केस में, अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ सीरीज है, तो ऑड है, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स का डाटा है, तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ईयर्स का डाटा है, तो हम क्या करेंगे कि बीच वाले एक फिगर को छोड़ देंगे, और इधर से 3 लेंगे, इधर के 3 लेंगे, और सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 3, इससे हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट मिल जाएगा, और फिर हम इस ए पॉइंट और बी पॉइंट को प्लॉट कर देंगे, ए और बी प्लॉट कर देंगे, और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इससे पास होते। इस तरीके से आपके पास मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस में दो तरीके होते हैं, एक इवन वाली सीरीज को सॉल्व करने के लिए, एक ऑड वाली सीरीज को सॉल्व करने के लिए।
रफली ये लिख लीजिए तरीका चार्ट में, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस में। ठीक है, इवन में ये ड्रॉ कर लीजिए, ऑड में ये ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहां पे हम देखते हैं ये वाले क्वेश्चन में सेवन इयर्स का, मतलब ये क्या है, ऑड है, तो ऑड नंबर ऑफ इयर्स का डाटा दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, एक मिडिल ईयर को छोड़ दूंगा, मतलब इसको छोड़ देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इधर तीन का डाटा लूंगा, तीनों को ऐड करूंगा डिवाइडेड बाय थ्री, ठीक है, इधर तीन का डाटा लूंगा, तीनों को ऐड करूंगा और डिवाइडेड बाय थ्री, ठीक है, समझ में आया। तो इससे मेरे को क्या मिल गया, ये ए पॉइंट मिल गया और ये बी पॉइंट मिल गया। कितना आया ए पॉइंट बताइए, 100 + 105 डिवाइडेड बाय 3 = 106.67। कितना आया 106.67। और यहाँ पे 120 + 105 + 115 / 3 113.33। ये बी पॉइंट मिल गया हमें। अब ये दोनों पॉइंट को हम प्लॉट कर देते हैं इस चार्ट में, हम प्लॉट कर देंगे। तो देखिए 106.67 ऑलमोस्ट ये आपका यहां पे आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये तीन का एवरेज था, तो ये तीन का एवरेज था, तो ये कौन से ईयर में आया, 2001 में आया ये, ठीक है, 2001 में आ गए ये एवरेज करने से। तो ये यहाँ पे आप प्लॉट कर लेंगे और यहाँ पे 2005 में प्लॉट कर लेंगे, कितना 133। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये तो आपको यहाँ का डायग्राम बना के दे दिया है, नॉर्मली ये जो डाटा दिया हुआ था आप इसमें अपने चार्ट में बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि 2001 में आप मान के चलेंगे, इसको आप इग्नोर करिए, और जब आप इसका चार्ट बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, देखिए जब आप इसका चार्ट बनाएंगे तो तीन साल का एवरेज किया आपने, तो वो कौन से तीन साल थे, 2000, 2001, 2002, तो इसका एवरेज करके ये किसके अंदर लिया है हमने, 2001 के नीचे लिया है, तो 2001 के नीचे कितना आ गया 106.67। तो यहाँ पे 2001 में आप 106.67 पे प्लॉट करेंगे, और यहाँ पे देखिए आपने इन तीनों का एवरेज किया था, तो 2005 में लिया है, 2005 के नीचे आ गया एवरेज करने से, ये तीनों का डिवाइड बाय थ्री कर रहे, तो इसके बीच में आ गए, बीच में आ गए तो कितना है 133.33। तो ये आ गए 2005 में 133.35 बी पॉइंट, और फिर यहाँ से पास होती हुई एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रहेगा कौन सा वाला, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, इससे आप ट्रेंड लाइन पता कर सकते हैं, ठीक है। पर ये सबसे क्या हो रहा है कि ये तो भाई ऐसी तुक्का वाली लाइन है, मतलब इतनी सही नहीं लगेगी ये वाला मेथड भी, ये वाला मेथड भी, उतना एग्जैक्टली कुछ नहीं बता पा रहा है एक बस एक, ये भी क्योंकि बड़े पूरे के पूरे सीरीज को दो हिस्सों में बांट दिया, दो पॉइंट से बोल रहे हैं कि आगे ये हो रहा है, तो कैसे ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं सकते हम कि हाँ भाई ठीक है इस डायरेक्शन पे जाएगा, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा और प्रिसाइसली चाहिए हमें। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि लाइन से प्रिसाइसली जाते जा रहे हैं, फ्री हैंड ऐसी था उसमें तो कुछ भी खींच देते थे लाइन, तो वो तो एग्जैक्टली कुछ बता ही नहीं रहा है। मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, इसमें भी दो पॉइंट खींच रहे हैं उसी से लाइन बना दे रहे हैं दो हिस्सों में बांट के, तो ये भी कुछ उतना खास बता नहीं पा रहा है एग्जैक्टली। फिर इसके बाद हम मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस में आएंगे,
थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा अपने तरीके को, और लास्ट में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में आएंगे जो हम हमारे तरीके को पूरा बदल के रख देगा। और जो लास्ट वाला मेथड है लीस्ट स्क्वायर, ये एक्चुअल में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपको भी लगेगा अरे ये तो हमारा पढ़ा हुआ था टॉपिक था, और वही सबसे हार्ड है इस चैप्टर में, सबसे हार्ड वही लिस्ट स्क्वायर वाला मेथड है, और वो आपका ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने ऑलरेडी कर चुके हो वाला पार्ट, वो आपने कंप्लीट किया है रिग्रेशन चैप्टर में। ये वाला जो पार्ट है लिस्ट स्क्वायर वाला, ये आप ऑलरेडी रिग्रेशन चैप्टर में पढ़ चुके हो, बहुत ईजी जाएगा यहाँ पे आपको। और सबसे हार्ड इस पूरे चैप्टर में यही चीज मानी जाती है जो कि आपके लिए नहीं रहेगी हार्ड,